जानने के लिए तो फोन किए हैं आपको। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए तेतर सिंह जी, निमकी जी भागने वालों में से तो नहीं है। पुलिस से बचने के लिए अगर आप उनको कहीं छुपा के रखे हैं तो बता दीजिए। कहना क्या चाहते हो हैं? पगला उला गए हो का? हम कहे छुपाएंगे? अरे वो तो खुद दे पुलिस से बचने के लिए भागी है। और तुमको ही पता है इस मामला से हमारा कितना बदनामी हो रहा है। तेतर सिंह जी देखिए, ये सब डायलॉग से हम इम्प्रेस होने वाले हैं नहीं। क्या समझते हैं? हम नहीं जानते कि संजीवनी कंपनी के असली मालिक निमकी जी नहीं बल्कि आप हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने से हो जाएंगे हम मालिक? तो थानेदार हमको पकड़ के काहे नहीं ले गया भाई? होते कौन हो ये सब पूछने वाले हमसे? अरे आप तो जज्बाती हो रहे हैं। चलिए मानते हैं कि निमकी जी आपके घर की बहू है, लेकिन उससे पहले वो राम बच्चन जी की बेटी है। और जानते हैं ना, राम बच्चन जी हमारे बहुत करीब हैं, फैमिली फ्रेंड समझते हैं ना। फैमिली फ्रेंड मतलब धमकी दे रहे हो हमको? तेतर सिंह जी, हमारा ये बात याद रखना, आप कुछ भी हो जाए निमकी जी को हम ढूंढ निकाल ही लेंगे, और जब वो मिल जाएंगे ना तो हमको सब सच पता चल जाएगा। और तब इस खेला में जिस जिसका नाम आएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, कह दे रहे हैं आपसे। ए वीडियो, ए हेलो, रख दिया। कह कर रहा था वीडियो। अरे छोड़िए ना महाराज, उससे बाद में निपटेंगे। क्या कहेगा? आज तो नहर का दिन था, बहुत जल्द ये पीडियो भी हमसे मार खाएगा। भैया इसको जब भी मारना ना हमको कहिएगा। क्या हुआ स्वीटी जी, आप काहे ऐसे घूर रही हैं छोटे साले साहब को? अरे निमकी तो आपकी अपनी भाभी है, पर वीडियो कौन है आपका? खैर छोड़िए, अभी फिलहाल सोचने का मुद्दा ये है सलाहत जी को, मतलब वो निमकिया को ढूंढ निकालना होगा, इससे पहले कि वो वीडियो या पुलिस को मिल जाए, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा। निमकी जल्दी करो, मासी दादी कभी भी आ सकती है। अरे हाँ भाई रुको, साड़ी पहनने में टाइम लगता है। मासी दादी आ गई है। अरे यहाँ क्या कर रही है? आना है, वहाँ जाके बैठो, जाके टीवी देखो, जाओ तब तक हम नहा लेते हैं। मासी दादी मुझे भूख लगी है। फिर से? अरे अभी तो सैंडविच और अंडा दिए थे। हाँ मगर मुझे भूख लगी है। अच्छा अब हम नहा के आते हैं और फिर कुछ बना लेते तुम्हारे लिए। हाँ अरे हम सुबह अपना नीला साड़ी रखे थे यहाँ, वो कहाँ गया? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना साड़ी पहन के खड़ी हूँ। निमकी ठीक कहती है। निमकी? मतलब उसने कहा था कि आप बुढ़िया हो रही है। का? वो ऐसा बोली हमको? मिलने दो एक बार, पर तू ऐसा फालतू बात मत सिखा कर उससे, समझे? हे, खुल का ही नहीं रहा। पता नहीं, मैं तो थोड़ी देर पहले ही गई थी। लगता है जाम हो गया है। मासी दादी पापा के रूम में हथौड़ा लेके आई है। मासी दादी गई। गई? मासी दादी साड़ी ढूंढ रही थी। इनका बकवास साड़ी देखो, और ये ब्लाउज इतना ढीला है। मासी दादी को बोलो थोड़ा कम खाया करे। अब इसका क्या करें? एलिना
तुम्हारे पापा कहाँ रखते हैं हथौड़ा? वो नीचे वाले ड्रॉवर में है। निमकी ये सब बाद में, अभी तुम जल्दी से छुप जाओ। क्या हुआ, हंसकाई रही हो? निमकी सही कहती है, अब बुढ़िया हो गई है। देखिए ये तो खुल रहा है, अब जा सकती है और अब आराम से ना सकती है। थैंक यू अलीना। जब ये सब झमेला खत्म हो जाएगा ना, तो हम तुमको बड़का वाला पार्टी देंगे। पापा अभी तक आए नहीं, कब का गए हुए हैं? अरे आ जाएंगे, कहे इतना घबरा रहे हो तुम लोग? और वो कहे इतना घबरा रहे, समझ में नहीं आ रहा है? हम बोल रहे हैं ना तुम लोग को, सब ठीक हो जाएगा। निमकी जहाँ पर भी है एकदम ठीक है। ठीक है का मतलब है रे? तुमको पता है का मतलब? हमने कहने का मतलब था कि निमकी जहाँ भी होगी हुआ ठीक होगी ना। चाची तुम निमकी को जानती नहीं हो का? मनु नया गेम डाउनलोड किए हैं, खेलेगा है? नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, निमकी दीदी बिना बताए गायब हो गई। और आज जिस मिजाज से जीजा जी और ऋतुराज जी बात किए ना, हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगा। पूरी तो ऋतुराज जी तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे सारा गलती निमकी का है। अरे चाची वो लोग है ही है ऐसा, तुम जानती नहीं हो का? छोड़ो ना वो लोग को। निमकी का फोन, इसको भी अभी फोन करना था। तुन्ने तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, उठाओ ना। हाँ बोलो। अरे का तुमने कितना टाइम लगाते तुम फोन उठाने में? मैं महुआ मनु थे ना इसलिए। तुम फोन काहे बंद रखती हो? कितना लेट से ट्राई कर रहा था, लग ही नहीं रहा था। फोन ऑन करेंगे तो सबका फोन ना आएगा हमको। अरे तुम ही बताओ महुआ पापा मनु कैसे हैं, ठीक है का वो? घर में सब लोग ठीक। राम भजन चाचा चिकन लाने गए ना, उनके हाथ का चिकन खाए हुए बहुत दिन हो गया ना। महुआ प्याज काट रही है, मोनू मसाला लाने गया चिकन। बताओ उन लोग वहाँ मजा कर रहे हैं और हम यहाँ, मतलब उन लोग को हमें चिंता ही नहीं है। निमकी ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर? कम से कम हमको तो तसल्ली हो जाएगी तुम सही सलामत हो। क्या लगता है तुमको कि हमको फिक्र नहीं है तुम्हारा? महुआ मोनू राम बचन चाचा सब लोग परेशान है, यहाँ तक कि वो बिमला चाची भी रो रही है। आज फिर बब्बू सिंह आए थे गाँव में, बहुत परेशान लग रहे थे। अरे वो तो विज्ञापन देने वाले हैं न्यूज़पेपर में, तलाश गुमशुदा का। क्या बात कर रहे हो तूने? तो फिर उनको बोलना कि हमारा अच्छा वाला फोटो छपाए प्लीज। अरे मजाक छोड़ो निमकी, आ जाओ ना तुम। अरे तूने हम वहाँ आएंगे तो पुलिस हमको पकड़ नहीं लेगा। ये तुनुआ के से इतना धीरे धीरे बात कर रहा है? कहीं निमकिया तो नहीं है? समझने का कोशिश करो निमकी, तुम जितना दिन गायब रहोगी ना, ये सारा लोग और पुलिस ना तुमको उतना ही दोषी समझेगा। तुमने हम मोनू का किताब में एक बात पढ़े थे, अंत भला तो सब भला। ये नकली दवाई के पीछे जो दोषी लोग हैं, जब तक हमको नहीं पता चलता वो लोग कौन हैं, हम वापस नहीं आएंगे। चाहे लोगों को हम पर इस बात पर शक भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मगर तुम दीदी का फोन है ना,
हम तुमको बाद में बताएंगे कि क्या करना है। अभी तुम बस पापा मऊआ मोनू का ख्याल रखना, हम बाद में फोन करते हैं तुमसे। बाय। अरे चुप काहे खड़ा है, बोल ना। फोन दो हमको। अरे निम्की का फोन थोड़ी था। फोन दिखाओ हमको टुन्ने। हाँ देख मऊआ, ठीक से देख, जरूर निमिकिया का फोन होगा। दिखा ना। काका फालतू का बात कर रही हो। फोन दिखाओ मऊआ। अरे अरे कुछ का फोन मऊआ ही बोल रहे हैं, इसमें कोई निमिकी का फोन नहीं है। बोले थे ना तुमको निमिकी का फोन नहीं है। मऊआ अगर हमको पता होता ना तो चोर लोग को पकड़ने का चक्कर में हमरा कमर का दर्द बढ़ जाएगा तो हम कभी नहीं रोकते उन लोगों को। और का दादी, का जरूरत था बहादुरी दिखाने का? ये उम्र में ये सब करता है का कोई? अरे वो घाट तोला वाली हमको कह रही थी कि दादी हम लोग चुपचाप कमरे में सो जाते हैं और वो चोर लोगों को चोरी करने देते हैं। का ऐसा बोली हूँ? वो तो कह रही थी हम लोगों के पास पैसा का कमी है का। एकदम पगलेट है। अरे बहुत दिमाग चलता है वो घाट तोला वाली का। का दिमाग लगा कर वो चोर लोग का हालत की थी, देखने लायक था। हाँ पता नहीं कहाँ भाग गई। सुने हैं घाट तोला भी नहीं गई, पता नहीं कौन हाल में होगी वो। अरे वो जहाँ भी होगी ना ठीक ही होगी। वो लड़की मुसीबत में अपने हिसाब से रहने का हुनर जानती है। अब देखो ना तुम्हारी अम्मा के होते हुए भी वो सब कुछ करती है जो करना चाहती है। चलो एक बात तो अच्छा हुआ ना, उसके जाने से तुम्हारी अम्मा के कलेजे को ठंडक तो पहुंचा। आपका कलेजा दुखा रहा है का अम्मा? कमी महसूस हो रहा है का घाट टोला वाली छोड़ी का? हमको? अरे नहीं नहीं, घाट टोला वाली कहीं भी जाए कुछ भी करे हमको का। हम तो बस इतना कह रहे थे। बस बस रहने दीजिए, दूध लाए हैं सोंठ में उबाल के पिला देना। सोते सोते ना अम्मा वो घाट टोला वाली छोड़ी के साथ चोर पुलिस का खेला खेल लीजिएगा। दादी तुम्हारी अम्मा भी ना कम नहीं है। निमकिया कहाँ गई होगी, आएगी ना वापस? पता नहीं दादी, अभी कुछ कहना मुश्किल है। सोना पड़ेगा। अरे यार माँ से दादी बाहर नहीं सो सकती थी का? हमको नीचे नींद भी नहीं आता है। बताओ कैसा कैसा दिन देखना पड़ रहा है तुमको निम्की? कहाँ हम सोचे थे कि ऐसा सरकारी घर में रहेंगे,
कहाँ नौकरानी कितना जमीन पे सोए हुए हैं, वो भी तब भड़का वाला हवेली में शादी करने के बाद। नहीं निमकी, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो तुम? अपने आप को बेगुनाह साबित करो, नहीं तो जिंदगी भर जमीन पर सोती हुई रह जाओगी। ये देखो ये दोनों कितना आराम से सो रहे हैं। आइडिया, एक गाय ना हम मासी का गेटअप लेकर नाहर सिंह से बात करें, मासी का साड़ी पहनेंगे और बाल को सफेद कर लेंगे और फिर नाहर बाल सफेद करेंगे तो ब्यूटीफुल थोड़ी ना लगेंगे, कुछ और सोचना होगा। कहाँ करेंगे, सोने का ट्राई करते हैं। गजब, ये नींद में भी तेवर दिखाती है। काम बात है, इन उम्र में भी कोई टेढ़ी आके सोता है का? सोना मासी दादी देख लेगी। अरे हमको नीचे नींद नहीं आ रहा है, मगर तुमको सोना तो पड़ेगा। अब समझ आया कि मौवा मोनू का क्या हाल होता होगा। मतलब कुछ नहीं, हवेली में तुम्हारा इससे भी बड़ा बेड है। हाँ बताएगा, बाबू जी और हम बेड पर सोते हैं। बाबू तुमको बहुत लाइक करते हैं। वो हमारे हस्बैंड है, हमको लाइक नहीं करेंगे तो? अगर लाइक नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगी? हमारे पापा ना हमको हर बार चांस दिए, हम भी सबको एक दो ठो चांस दे ही देते हैं। फिर का फिर फुर। अच्छा अभी सब छोड़ो, हमको नींद आ रहा है, हमको हेल्प करो, दादी को ठेलो हमारे साथ। जल्दी से गद्दा लेके आओ, जाओ जल्दी। जल्दी 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 तुम मासी दादी को पकड़ो, मासी दादी को पकड़ो। कहाँ आवाज आ रहा है मासी?